हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक माय चैनल ब्राह्मण एज ब्लॉग। दोस्तों, जो इस वीडियो में आप देखेंगे, जो मेरा बाइक का मीटर था, उसका एक तरीके का स्पीड मीटर काम कर रहा था। स्पीड स्विच जो होती है वो काम कर रही थी, लेकिन रीडिंग काम नहीं कर रही थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई है उसके लिए, ताकि आप घर में खुद ही उसको रिपेयर कर सको। और कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में है पूरा, तो आप इसको ध्यान से देखना। और ध्यान से देखना, जब भी आपको पूरी समझ में आएगी पूरी वीडियो देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर करना, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी चैनल बनाया है। और बाकी मैंने वीडियो में बताया कैसे क्या करना है। तो घर में आप अपने रिपेयर खुद कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? तो दोस्तों, मेरी जो बाइक का मीटर है, ये इसका काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या, आज में अगर ये चल रही है तो ये सुई घूम रही है, ओके। लेकिन ये रीडिंग है, ये रीडिंग काम नहीं कर रही है। तो उसको आज हम रिपेयर करेंगे इसको खोलकर। तो भाई चलिए खोलते हैं। और इसको खोलना कैसे मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ से 10 नंबर की टी हो या गोटी हो या चाबी हो, उसे खोल लेना वाइजर। वाइजर खोलने के बाद फिर इसके नीचे आते तीन नट, ओके। उन तीनों नटों को खोलना है, ये आपका मीटर जो है बाहर आ जाएगा, ओके। चलिए खोलते हैं, दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप, हमने वाइजर खोल लिया है। अब ये जो नीचे के देख रहे हैं, एक ये नट और एक ये वाला नट, और ये तीन नट है, 10 नंबर की चाबी से खुलेंगे। तो चलो हम खोलते हैं। तो मैं आसानी करने के लिए अपना ये खोल लूँगा, लाइट हेडलाइट भी खोल लूँगा, ठीक है, ताकि और आसानी रहे खोलने मीटर। तो चलो इसे खोल के भी फिर वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा मीटर खुल चुका है ये पूरा यहाँ से, ठीक है। मैंने पूरा तामझाम खोल दिया इसका, हेडलाइट भी निकाल दी और ये भी निकाल दिया। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा। तो यहाँ से ये जो है वायर का, आपको कपलर निकालना पड़ेगा, ओके। कपलर निकाल के तो इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसको हम ले जाएंगे घर के अंदर, वहाँ बैठ के करेंगे इसको रिपेयर, फिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओके। चलिए, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्पीड का मीटर जो है वो काम कर रहा है, इसमें स्पीड सुई, लेकिन रीडिंग मेरी जो काम नहीं कर रही है। तो उसी को रिपेयर करने के लिए इसको मैंने खोला है। अब ये मीटर खोलने के लिए आपको ये 1, 2, 3 और 4 ये खोलने पड़ेंगे स्क्रू से, ठीक है। चलो मैं खोल के बताता हूँ। दोस्तों, खोल लिया हमने। खोलने बाद ये ऐसा दिखता है कुछ, ये अलग और ये अलग। तो इसको हम खोलेंगे ये मीटर। तो ये कि इसकी सुई काम कर रही है, और सुई भी जो वाइब्रेट हो रही है, देख रहे हैं। और ये जो है इसके घूमने बाद ये रीडिंग नहीं घूम रही मेरी, बस ये एक ही पटक गई है 3, 5, 6, 9 पे, इससे आगे वो जा ही नहीं रही है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, और इसको हम यहाँ से खोलेंगे इधर से, ओके। फिर खोल के मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। बने रहिए। ये दो स्क्रू होते हैं यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, ये दो को खोलोगे तो ये मशीन आपकी बाहर आ जाएगी। तो फ्यूल गेज की जो है ये तो ठीक है, और ये ज़्यादा खराब नहीं होती, ये ध्यान रखना, जल्दी खराब नहीं होती है। ये प्रॉब्लम आती है हीरो में, बस इसके मीटर में प्रॉब्लम आती है। कभी आता है उसका वायर खराब हो जाता है, या इसके मीटर में अंदर जो प्लास्टिक की गरारी होती है वो खराब हो जाती है। तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए खोल के भी बताता हूँ आपको। दोस्तों, जैसे कि हमने मशीन खोल ली है, और ये आ गई हमारी मशीन बाहर। तो इसमें जो क्या होता है ना, ये होती है इसमें गरारी, ठीक है। तो गरारी जो होती है वो गरारी घिस जाती है, ये है प्लास्टिक की। तो इसमें ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये दांत, ये दांत घिस जाते हैं। ये क्या होता है, ये घूमेगा इसके साथ तो दांत भी घूमेंगे, फिर इससे ये रीडिंग काम करती है हमारी। तो ये दांत जो खराब हो गए, अब मीटर वाले के पास जाओगे, मीटर वाला क्या करेगा, इस गरारी को चेंज कर देगा, तो ये रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हम घर में कैसे रिपेयर करें वो मैं बताता हूँ आपको। एक पतली सी चीज़ हो आपके पास, तो उसको क्या करना है, गर्म करना है गैस पे, या मोमबत्ती लगा लेना। उसके बाद जो ये है प्लास्टिक होती है, इसको आप काटेंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपके दांत बन जाएंगे ये, ठीक है। तो ये दोबारा से जो है धीरे धीरे काम करना लग जाएगा, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो मीटर गरारी के नीचे एक गरारी है, ये रिपेयर हो गई थी मेरी, ठीक हो गई है। तो मेरे पे एक्स्ट्रा एक मीटर और पड़ा था, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने चेक भी कर लिया लगा के, ये काम कर रहा है, ओके। उसके बाद कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसको फेंकना नहीं चाहिए कभी भी,
ठीक है, तो ध्यान से रखो कौन पार्ट कहाँ काम आ जाए, ताकि आप खरीदने से बढ़िया है कि उसको रिपेयर कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया कंप्लीट। मैंने चेक कर लिया मीटर की स्पीड भी, मीटर काम कर रहा है और जो है रीडिंग भी काम कर रही है, तो हम इसको जाके फिट करेंगे। ओके, अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ मीटर को, फिर इसको बाइक में फिट करेंगे। तो दोस्तों हमने कर लिया फिट, तो चलो चलते हैं बाइक में फिट करने। तो दोस्तों ये बाइक खुली हुई कैसी लगती है देखना अजीब से लगती है। बिना हटला ये सब सामान रखा हुआ मेरा, और ये टूल है, और ये हमारी गुड़िया है, हाय करो। हाय। इसका नाम है परी, और वैसी का नाम है आपका हर्षिता। ओके चलिए, और ये छोटे छोटे जो वह पिल्ले हो गए, ये मुझे परेशान कर रहे, काम नहीं करने दे रहे तो दोस्तों अब इसमें जो बचा है इसको हम कर लेंगे इसमें फिट, जैसे हमने निकाला था तो यहाँ लगाएंगे, निकालने के बाद यहाँ लगाएंगे। और ये तीन जो बोल्ट है ये हो गया फिट। ओके, ऐसे फिट हो गया एकदम परफेक्ट। तो हम इसको एक बार क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा के फिर चेक करके देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो दोस्तों जैसे देखो ये व्हील घूम रहा है मेरा, और ये मीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो ये सुई हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, विजिबल हो नहीं हो रहा होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहाँ से थोड़ा सा वो आपको दिख रहा होगा, तो मीटर चल रहा है, जीरो पे आ गया, ये व्हील घूम रहा है आपको, ये देखो अब ये धीरे धीरे एक पे आ जाएगा। तो ध्यान देना, देखो जीरो ऊपर जा रहा है और ये वन नंबर आ गया। ओके, मैंने इसकी मशीन चेंज कर दी तो किलोमीटर भी मेरे चेंज हो गए, और ये ना बोले कि फर्जी वीडियो है, तो यानी कि मेरा मीटर की जो रीडिंग है वो काम कर रही है, और ये स्पीड मीटर भी काम कर रहा है। इसको मैं दोबारा से घुमाता हूँ, स्पीड की मीटर भी की सुई भी हिल रही है, और ये मीटर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिपेयर हो गया। चलिए अब मैं इसको ना चला के देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरी मेहनत रंग लाई, इसका मीटर भी काम कर रहा है रीडिंग, और जो स्पीड मीटर भी। ओके, पहले क्या करिए, इसकी सुई जो थी वाइब्रेट कर रही थी स्पीड बढ़ने पे, अब वो भी नहीं कर रही है, अब ठीक है। अभी ट्राई लेके आया हूँ, चलो चलिए अब हम इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ओके, फिर मैं इसको एक बार मैं जब चलाऊंगा तब मैं आपकी इसकी वीडियो दिखाऊंगा, इसका स्पीड मीटर कैसे काम कर रहा है। ओके, वैसे अगर आपको घर में रिपेयर करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया उसके दांते जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, एक पतला सा पेचकस हो या आपके पास या पतली सी कुछ धारी हो, उसको गर्म करके उसके दांते बना ले, दांते बनाने के बाद धीरे धीरे उसको घुमाते रहे और दांते बना दे, फिर उसके बाद उसको चेक करना, देखना वो जरूर काम करेगी, क्योंकि प्लास्टिक की होती है वो, तो आसानी से गर्म होकर पिघल जाती है। तो ऐसी जैसे लैन काटते ना, लैन काटने के इसमें ऐसे घिसना, वो दांत बन जाएंगे, आपको समझ जाओगे जब खोलोगे तो। बाकी आप अपना दिमाग लगाना, नॉलेज मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही होगी, उसको आप फॉलो करें। और बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और मेरा आई बटन है, और लास्ट में आपको लास्ट सीन में आपको वीडियो मिलेगी, तो वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है ब्राह्मण एज ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, छोटों को प्यार दिए, बड़े की इज्जत। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं हाईवे पे, तो वहाँ जगह नहीं थी, तो हमें यहाँ स्पीड के हिसाब से देखेंगे चला के मेरा मीटर काम कर रहा है। स्पीड सुई तो काम कर रही है, और ये मीटर भी देखो ये भी काम कर रहा है, और यहाँ पे भाग रही है 60, तो 60 कम से कम 80 भगाऊँगा, जिससे कि अच्छा पता लगेगा और अच्छी तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका मीटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें तीन कमियाँ होती है, एक तो या तो आपका वायर ख़राब हो जाए मीटर वायर, और दूसरा जो नीचे गरारी होती है जो हब में लगती है जो मीटर घुमाती है वायर को, और तीसरा होता है इसके ऊपर वाले मीटर में या रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, या तो इसके अंदर में दिक्कत हो जाती है, तभी मीटर काम करना बंद करता है। तो चलिए दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।